हाँ जी ग्रुप की माइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही टोली मुरार वाली नेहा नायक। अब तुम खा के अंडा और तुम सारी मच्छी बन गए। अब क्यों फड़फड़ा रहे हो, क्यों माँ चुदा रहे हो, क्यों अपनी बहन चुदवा रहे हो और क्यों फड़फड़ा रहे हो? सारी मच्छी खा के अंडा बना दिया मालिक ने, मालिक ने कुछ नहीं है। सारे पंच ने देखा कि तू कितना कोट कलंक करके गया है, बंदूक वाले कट्टे वाले छुरी वाले डेरे के नीचे लेके आया है। वीडियो में और कैमरे के रिकॉर्डिंग में तुम्हारी निकली है, रिकॉर्डिंग निकलवाई है कैमरों में तुम्हारी वीडियो। मेरे संग अच्छा बुरा होता है सब पंच ने देखा है और तू जहाँ देख के वीडियो डाल रही है अच्छी बात नहीं है तेरी, तुझे कर रहा है। सोच लिए मेरे संग कुछ भी हुआ अच्छा बुरा मेरे डेरे पे कोट कलंक, तो मैंने सारे जनों को नाम बता दिया, उनके भी बता जहां से तू वीडियो डाल रहा उनके भी नाम बता दिए, उनके पूरे सबके नाम बताए मैंने, बेबी गुरु को और अनीता गुरु को, पलक को, जितने चेले नाती घर के जड़े बैठे हैं और सारा पंच सुनेगा। मेरे डेरे में मेरे संग अच्छा बुरा कुछ भी होता है, मर्डर कत्ल मेरा मेरे चेलों का, तो इसके जिम्मेदार सरिता और दीपिका और इनके संगे जो लगे हैं, जो मैंने इनको अपने झड़ों को नाम बताया, सबका सुसा भाइयों को सनद रहे। ग्रुप की माइयों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही टोली मुरार ग्वालियर से नेहा नायक। हाँ जी मिया, मैं गुरु के यहाँ आई थी लदेड़ी, तो सरिता भाई आती हैं और एक गाड़ी भर के गुंडे ले आती हैं, कट्टा बंदूक पिस्टल हमारे पास सबूत है कैमरों में। मेरे को कुछ होता है, मेरे टोली मुरार के चेले नातियों को कुछ होता है, शिवानी प्रज्ञा जितने मेरे चेले नाती, मेरे को कुछ अच्छा बुरा होता है, तो सरिता और दीपिका और जिनके संगे जो भी लगे तो सब भाइयों को सनद रहे। सरिता भाई जिम्मेदार है इस चीज की, उनके संगे जो लगे वो सब जिम्मेदार है। उनकी तरह कर दो सर सनद रहे सारी माइयां। बंद कैसे? अबे अबे बार बना माइयों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही नेहा नायक। हाँ जी मिया, ये सरिता मेरे बागी मूरत को लाए दीपिका को, इसके साथ मेरी मूरत भी लगी है दीपिका। कोट कलंक अच्छा बुरा होता है सब उसकी गांड से भारी है। सरिता के मेरे मूरत को लेके गई, मेरे को धमकियां दिलवा रहा है अच्छा बुरा कर रहा है। मैं गुरु के यहाँ आई तो मेरे को मारने को गुंडे लेके आए, कट्टा बंदूक पिस्टल और ये कैमरे में माइयां आप लोग देखना मेरे को अच्छा बुरा मेरे डेरे में होता है, तो सरिता और दीपिका जिम्मेदार होगी तो सब भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ पलक नायक जड़ेरुआ से, ग्वालियर से लदेड़ी मछली मंडी का हेजड़ा। हमारे पास आता है सरिता नायक का फोन मुरार वाली का, हमने फोन उठाया बातचीत करी, उनको बुलाया लदेड़ी पे कि आ जा मिया तुम्हारे दिल मिलवा देंगे दोनों के, बातचीत करवा देंगे। तो हम भी आए अपने लदेड़ी पे बातचीत करने, तो अकेले ही तो आए थे, गुंडे बदमाश तो लेके तो नहीं आए थे, ये तो माउजर पिस्तौल कट्टे सब लेके आए, छह सात लड़कों को लेके आए और हमारे कैमरों में आ गए हैं। 2 बजे पे आए रात दिन में और कैमरों में आ गए, पूरा सबूत है। अगर टोली वाले नायक के साथ, इनके चेले नातियों के साथ और हम सबके साथ, हमारी बेबी गुरु के साथ, अनीता गुरु के साथ, सोनम भाई, शिल्पा, जितने भी हम बैठे घर के चेले नाती, किसी के भी साथ कुछ होता है इतना सा भी, इस बात की जिम्मेदार सरिता है और सरिता के साथ जो फिर रहे हैं ना इस चमचे, सब जिम्मेदार है। जितने लड़के आ गए और कैमरों में भी आ गए, फुटेज आएंगी, माउजर पिस्तौल कट्टे सब लेके आए थे ये लोग और डेरे तक आए, ऊपर तक चढ़ के डेरे तक आए, ऊपर तक चढ़ के तीन जने तो माउजर पिस्तौल ले लेके आए, तो सबको सना दे रहे। माइया हमारे बुंदेलखंड और क्या नाम है सी नरवर बदावर, ये सब माइया बेटी सबको भी सहद रहे। सारी ग्रुप की माइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम तो बोलना नहीं चाहते ग्रुपों में, ये कुत्ता भूसता रहता है बिना रीत भभूत के होते हैं ना, जैसे बिना नाथ पगा के होते हैं ऐसे कुत्ता भूसता रहता है। बेवक्त की औलाद है जे, बेवक्त की औलाद है हैं, तो जे चाहे जा भूसने लगता है, जे तो हिजड़ा है नहीं,
इजड़ा होता तो इजड़ो जैसे काम करता, आया था उस दिन यहाँ पे लधेड़ी पे सलाम करने सजदा करने। हाँ तो उस दिन नभता बैठता, जब मैं नभ गई थी इसको नभने में क्या थी कुत्ते को, ये नहीं नभा कुत्ता, चला गया ऐसे ही राब सी चाटता, ऐसे ही फिरता रहेगा मारा ढकेला जी पड़ूंगा। और देखो मियाँ पंचो के मेरे ऊपर इतने इतने कलंक हुए और जे सारे कलंकों में इसने साथ दिया मेरे हिजड़ों का। और कल की बात है, कब की? कल की। मेरे हिजड़े भी इसमें गवाह हैं, मौजूद है। तो कल हमें टीआई साहब ने बुलाया किले गेट थाने में, ठीक है? तो किले गेट थाने में बुलाया तो इसको आने की क्या जरूरत थी, ये क्या बन के आया किले गेट थाने में मेरा? तो ये भक्ता हुआ मुरैने से किले गेट थाने में आया, अपनी मूर्तों को भी लाया। तो बेटा मेरे कलंक में तू चेला है, चटकू है बेटा, ये लुगड़ी में तू फंसा है मेरी, इसमें ये लुगड़ी में फंसा है बेटा तू मेरी, हाँ ये लुगड़ी में फंसा जो मेरे कलंकों में आया भगवत के बेटा। कल थाने में आया था क्या बन के आया था तू? चेला मेरा बेटा तू पोरा, अते अपनी मूर्तें लाया था तू भी बेटा, थुका के ले जा मुझसे, सबको थुका तू, तू भी अपनी अब्बल तेरी जितनी पीढ़ियां सबको थुकाइए बेटा मुझसे, और तू भी थुकी अपने चेले नाती भी थुकाइए मुझसे बेटा। अरे तुझे खाना आराम है बेटा, दोनों हाथ का खाना आराम है बेटा, तूने मैंने तुझे कलंक में चेला कराया मेरे नाती, थुका के ले जाइए बेटा सबको, सनद रहे सारी मारा। कब्रस्तान में भी नहीं सो रहा है बेटा, कब्रस्तान में तो एक ही सो रही है, पंजाब नकली। हाँ और मेरे घर में देश दैयार में ही सो रहा है बेटा तेरे। तो हिजड़ा हो ना तो सफाई करा के ले जा बेटा, थुका के ले जा, मुता के ले जा मुझसे, मेरी जी घंगरिया में से निकाल के ले जा बेटा। तो हिजड़ा हो तो इसमें से ले जा बेटा, हाँ निकाल के ले जाइयो। जब डालिया मैसेज नहीं, मैसेज मत डालियो बेटा एक भी। हाँ हमारे तो सारे खेल तबेल हो गए, हमने तो करा लिए इंदौर में और हमने करा लिए यहाँ अपने चबूतरे पे नीम के नीचे, हमने जिसको नायक बनाया उससे तेरी कोई जरूरत नहीं हमको कि तुझसे खेल करा। तू तो पेट का मारा है रे, पेट का मारा है, पेट भरने का बस, तुझ पे ढंड नहीं निकला 1100 रुपए पाल्टी का, तुझ पे छल्ला नहीं निकला, कुछ भी नहीं है तेरे पास में, बात बनाता रहता है बैठा बैठा बस। तू तो ग्रुप का हिजड़ा है रे, ग्रुप का, ग्रुप में भूसे जा कुत्ते की तरह, ना तेरे कोई आगे ना तेरे कोई पीछे। हिजड़ा होता तो हिजड़ों में बैठ जाता, नभता फिर इतनी बातें करता तो अच्छा लगता। तू तेरी कोई सनद नहीं है बेटा, ना इस दधेड़ी को और ना मेरी सौकन सरी को कुछ भी, भूसता रहे कुत्ते की तरह, तेरा कुछ सनद नहीं है बेटा। मेरी तरफ से मेरे साथ जितने हिजड़े बैठे हैं सबकी तरफ से तेरे सारे खेल ना सनाते बेटा पोए। और जे मोरी को याद कर, जे मोरी को, जे मोरी का वीडियो रखे रही है, इसका संजय सवेरे सलाम करा कर, तूने सुनी थी इंदौर में क्या कही थी 100-100 साल के हिजड़ों ने? मां तेरी आवाज नहीं निकली, अब तो ग्रुप में खूब बोल रही है, मां तेरी आवाज नहीं निकली, मां तो तेरे मुंह का बेटा थूक सूख गया था और तेरी गाल का भूत सूख गया था, मां पे तेरी आवाज नहीं निकली, मां तो रो रहे आता, रो रहे आता। तू कैसा हमें याद है बेटा, तू भूल गया, तू भूल गया हमें याद है, मां कैसा रो रहे आता। और जाके वो माई कुर्सी पे बैठी थी अरमानों से, उसके तूने पैर पकड़ लिए थे, पैर पकड़े थे ना बेटा, हम नहीं भूलते हम इधर। हाँ रोटी भूल जाते हैं हम, खाना बातें नहीं भूलते बिटिया, हम हमें देख के देख, इस गंगरिया को देख के बेटा तू हिजड़ा बना है, इसको इसको बोलेगा, इसको बोलेगा नकटे डूब मर, यही घंगरिया में देख तेरी पंजाबा ने, यही घंगरिया में बेटा तेरी लल्ला ने, और यही घंगरिया में बेटा तेरी राधा है, मुझसे थुका के ले जा बेटा, फिर एक वीडियो डालियो तो मैं शर्मा जाऊंगी, खज्जल हो जाऊंगी बेटा, मैं डूब के मर जाऊंगी बेटा, मैं हिजड़ा हूँ। हाँ तेरी तरह मैं पेट का कुत्ता नहीं हूँ, देख जैसे पेट का कुत्ता नहीं हूँ तेरी तरह बेटा, जैसे तू पेट का कुत्ता है बड़ुए, दूसरों को बोलता है, हैं मेरा जवाब देना इस वीडियो का बेटा, और जवाब जब ही देना जब खेल करा लेना, हाँ राधा का खेल करा ले मुझसे, ऐ सखियों के वंश के
भड़ुए जे घंगरिया को याद कर इसको, इनने इजड़ा बनाया सखियों को बेटा। हाँ ये इसने घंगरिया को याद कर इसको, इनने हिजड़ा बनाया बेटा तेरे अगलों को। हाँ कोई हिजड़ा बनाने वाला भी नहीं था, चारों चटाई में इसको याद कर जे दरवाजे को जे दहली को जे मोरी को। मेरी बात याद रखियो, जे कुत्ते जैसा भूसना ग्रुप में बंद कर दे, हिजड़ा बन जा, आज भी कह रही हूँ हिजड़ा बन जा। वो वीडियो याद कर, अभी कल का लता ने तुझे हिजड़ा बनाया, रीत डाली लता ने है मेरे हिजड़े ने, और तेरी रीत डाली तुझे हुक्का पानी दिया, उसको याद कर बेटा। तू क्या बात करेगा हमसे, नक्ते तेरे अगले नहीं कर पाए, ये मेरी मोरी के कीड़े बने रहे और मर गए। हमने कफन दिए बेटा, जिदे सफेद कफन हमने उड़ाए उनको बेटा, हमने अगरबत्ती लगाई, तुम्हें अगरबत्ती भी नसीब नहीं हुई, दो आंसू भी नसीब नहीं हुए। तुम्हारे कोई था नहीं आगे, आगे कोई नहीं था, तुम्हारे हिजड़े सब इसमें राजी थे, सब इसमें खुश थे ना, हिजड़ों की चिंता ही नहीं थी। यहाँ पढ़ा रहे वो 40 साल, ले जाते उठा के उसको, क्यों नहीं ले गए, काय में राजी थे, काय में खुश थे, काय में मगन थे, इसमें मगन थे बेटा, तू भी इन्हीं में मगन रहेगा। तू ले जा, तुझे नाक नहीं है, तू ले जा बेटा, मैं तो हाल खेल कर दूंगी, ले जा करा तो सरी, इतने दिल गुर्दे तो रख अपनी छाती में, करा तो सरी, कौन से रंग का दुपट्टा उड़ के आएगा खेल कराने, मुझे बताइयो मेरे नाती, मुझे बताइयो। और जे गुर्फों में बोलना छोड़ दे कुत्ते, दो पैसे के नीची जात के मुर्गी बढ़ुए, थ्रू तेरे जन्म पे, इससे बात कर।